आज की शाम के हमें क्या खाना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस जश्न का एक पार्ट है. सो शादी है आज, तो हमारे विशेष है दोनों कपल को, तो देखते हैं कैसा रहता है. Any other questions? Thank you. बहुत शादियाँ हो रही हैं. कल प्रिंस भाई की शादी करवा के आ रहा हूँ. आज सनी और प्रिया की शादी है. Obviously very excited. Plus जी ने पहली बार इनिशिएटिव लिया कि एक कपल की शादी करवा रहे हैं. प्लस अवार्ड्स है. सो इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिव है, कुछ बहुत बढ़िया. जी मैं अतरंगी कपड़े पहनता हूँ, लेकिन इस बार मैं उतना अतरंग नहीं कर पाया क्योंकि मैं प्रिंस भाई की शादी में थोड़ा सा बिजी था और सारी अरेंजमेंट हम सब करवा रहे थे. सो इसीलिए इस बार से थोड़ा कम अतरंगी है, लेकिन जो भी है ऐसे ही है. मैंने कहा गुलदस्ता बन के चला जाता हूँ. अरे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इतने सारे एक्ट्स हैं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम शादी हो रही है टेलीविजन पे, जैसे कि सबको पता है. और हम बाराती बनकर आए हैं, बहुत डांस करने वाले हैं हम लोग. बहुत अच्छा एक एक्ट करने वाले हैं ब्राइड्स ऑफ इंडिया, जिसमें पांच अलग अलग स्टेट्स की ब्राइड्स बन रही हैं और हम साथ में फिर डांस करेंगे मॉडर्न ब्राइड्स. हाँ, क्योंकि मैं एक साउथ इंडियन ब्राइड बनी हूँ, तो फुल साउथ इंडियन गजरे वजरे के साथ मैं डांस करने वाली हूँ मुद्राओं के साथ. तो बहुत अच्छा है. काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट है इतना दी का. एक शादी भी हो रही है, तो एक शादी वर्ड सुन के काफ़ी ज़्यादा दिमाग में आपके अपनी शादी याद आ जाती है. मेरी शादी को 11 साल हो गए, तो मैं काइंड ऑफ भूल भी गई हूँ कि मेरी शादी में क्या हुआ था. बट मेरी यादें ताज़ा हो जाएंगी एक रियल वेडिंग ऐसे देखकर. और इट्स अ वेरी बिग स्टेप, मैरिज इज़ अ वेरी बिग स्टेप. ऑल दो सबको लगता है कि आजकल तो बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए है, बट आई रियली बिलीव दैट दीज टू पीपल दे शुड हैव अ होल मैरिड लाइफ विद ईच अदर. क्या लग रहा है? ये मेरी फ्रेंड ने ही डिज़ाइन किया है और ये साड़ी है, फैशनेबल, नॉट अ वेरी जैजी वन, थोड़ा डार्क कलर एंड फॉर अ हुडी. ओके, अवार्ड की बात करें तो कोई अवार्ड जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? और काफ़ी नॉमिनेशन. मुझे आप लोगों से अवार्ड मिल सकता है, है ना? अवार्ड कौन सा मिलेगा वगैरह तो मुझे पता नहीं है, बट ये मेरा थर्ड शो है जी के साथ, तो मैं यहाँ हूँ वही मेरी खुशकस्मती है. सो आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर द इवेंट. एग्जैक्टली, और ये बहुत ही अलग जश्न की शाम है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आज एक रियल कपल की शादी होने वाली है और हम उस शादी में शरीक होने वाले हैं. सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. हमारा एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुका है एंड आई होप कि जितना हमें मज़ा आ रहा है ना ये पूरा शो करके, आज उन लोगों के लिए ये शो करके, उतना ही ऑडियंसिस को भी मज़ा आए. एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवनिंग. या देखिए, मुझे ऐसे लगता है आई हैव नोन माई हस्बैंड फॉर अबाउट 15 ईयर्स और 3 साल की अभी हमारी शादी है. भाई शादी से पहले बॉयफ्रेंड अलग चीज़ होती है और शादी के बाद हस्बैंड बहुत अलग चीज़ होती है. अब देखिए, मैं उनका वेट करते करते मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ, तुम आ जाना. तो ये जो है लड़कों को बड़ा सारा टाइम लगता है, बड़ा सारा टाइम लगता है तैयार होने में, ये तो फॉर श्योर है. तो जब वो आएंगे तो उनके लिए ये सवाल जो है वो पूछना. हाँ, डेफिनेटली. बट एट द एंड ऑफ द डे रिश्तों की जो खट्टी मीठी जो बातें होती है, आई थिंक उन्हीं से रिश्ते यू नो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं. एंड आई थिंक आई बीन वेरी वेरी लकी हैव बिकॉज आई हैव सम रियली रियली गुड पीपल इन माई लाइफ हु गाइड मी एंड हु ब्लेस मी. दैट्स इट.
बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत स्पेशल शाम है. जी रिश्ते अवार्ड्स बहुत खास है, मेरी शुरुआत यहाँ से हुई थी और जी मेरे लिए बहुत स्पेशल है. और इस साल के अवार्ड्स बहुत ही अनोखे हो रहे हैं क्योंकि पहली बार किसी कॉमन कपल की शादी हो रही है इतने बड़े मंच पे. और मैं होस्ट कर रही थी 5 दिन का जो इवेंट था, रेड कार्पेट एंड रोका एंड ऑल. सो फॉर मी इट्स लॉट ऑफ फन एंड एक्साइटमेंट. ट्विंकल की याद आ गई हमें वैसे भी. जैसमिन, मैं कह रही थी ट्विंकल की याद आ गई हमें. आपके लुक के बारे में क्या कुछ डिफाइन करना चाहेंगे हमारी वेडिंग? आई एम वेयरिंग अंकिता स्टाइल में, सो आई वांटेड टू वेयर अ लहंगा क्योंकि शादी है, शादी थीम है तो वो रखा है. और फुल ऑन डेक्ड अप हूँ, ज्वेलरी में मैंने मिनिमम होने की कोशिश करी है एंड आई होप आई एम लुकिंग फाइन फॉर द नाइट. यू आर लुकिंग गॉर्जियस. ओके, आपसे जाना चाहेंगे, बात हो रही है रिश्तों की, शादी की, तो हाउ वुड यू डिफाइन शादी? शादी इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बहुत सारी ज़िंदगी साथ निभाने का कमिटमेंट होता है. और मैंने अपने घर में अपने बड़ों से यही सीखा है कि एक बार कर दो तो उससे पीछे नहीं हटना होता चाहे कुछ भी हो जाए. इसीलिए मैं इतना वक्त ले रही हूँ और अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ. इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्योंकि हम सबको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है एंड हम सबके लिए कोई ना कोई बना होता है. सो आई बिलीव इन मैरिजेस एंड आई रिस्पेक्ट दिस रिलेशनशिप. इट्स सी हैशटैग मी टू एक अच्छा रेवोल्यूशन शुरू हुआ है. बहुत सी लड़कियां जो आज तक बोलती नहीं थी उनके साथ जो गलत हुआ है उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिला है कि हाँ हमारी भी सुनने वाला कोई है. बट साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो शायद चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं. सो आई रिक्वेस्ट दोज पीपल कि अगर आपके साथ नहीं हुआ है ऐसा कुछ तो आप उस तरीके के गलत मैसेजेस मत दीजिए क्योंकि उससे क्या होगा, दैट विल रब इट इन द रॉन्ग वे जिससे आपके ऊपर ही गलत पड़ सकता है. अदरवाइज़ अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होता है द बेस्ट थिंग टू डू इज़ आप उसी टाइम रिएक्ट करो, उसी टाइम उस इंसान को अपनी गलती का एहसास दिलाओ. एंड यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू लिव योर लाइफ, वर्क प्रोफेशनली और डू एवरीथिंग ऑन योर ओन कंडीशंस. कोई आपके ऊपर कोई दबाव ना डाल सके, आप कभी किसी प्रेशर में ना करें. और हर औरत इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ये कर सके. हमें किसी हैशटैग की रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हम उसी पल वहीं उसका जवाब दे सकते हैं और उस इंसान को अपनी गलती महसूस करा सकते हैं. अच्छा, आपको भी काफ़ी टाइम हो गया है तो आपने कभी ऐसी चीज़ सुनी है किसी से या फिर कोई फ्रेंड? जी, मैंने काफ़ी कुछ सुना है और मैं उनको भी यही बोलती हूँ दैट आप कहीं से कमज़ोर नहीं हैं. अगर आप कहीं पे हैं, किसी से बात कर रही हैं, कहीं काम के लिए गई हैं तो यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन. और कोई आपसे बदतमीज़ी करता है, कोई डेरोगेटरी बात करता है, आप उसी वक्त उसे जवाब दीजिए, उसे चुप कराइए, अपनी गलती का एहसास कराइए. लास्ट क्वेश्चन, एक केस 19 साल बाद निकला और एक 10 साल बाद, तो ये अभी भी छुपी किस बात की है? मतलब अभी और 20 साल लगना है उस बात को छुपा करके या और 50 साल बाद बोलना है? मतलब चुप्पी नहीं है शायद उस वक्त. क्या होता है कि एक लड़की सहम जाती है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम सबकी अपब्रिंगिंग, हमारी सोसाइटी में हमेशा से ऐसा होता है कि लड़कियों को बोला जाता है नहीं ज़्यादा मत बोलिए. ऊपर से हमें डर होता है कि कोई हमारा साथ देगा कि नहीं और उसको कोई रिस्पांस मिलेगा कि नहीं. अब वो रेवोल्यूशन आ गया है जहाँ लड़कियों को पता चला है कि हम बोल सकते हैं, हम रिएक्ट कर सकते हैं और हमारी हेल्प करने के लिए लोग हैं. सो पीपल आर कमिंग एंड इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग विच इज़ हैपनिंग. बट आई रिस्पेक्ट पीपल टू रिस्पेक्ट इट एंड बी जेनरस. सो बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही धड़ाके के साथ सब लोग आए हुए हैं, बहुत तैयारी की हुई है, तो लेट्स सी, आई होप यू गाइस एंजॉय इट. हाउ वुड यू आउटफिट हमारी वेडिंग? सी, देयर इज लेडी बिहार का वेयरिंग हर एंड द थीम वाज ऑरेंज गिवन टू अस, सो दैट्स रीजन आई हैव ट्राइड टू फॉलो दिस आवर थीम. एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू. शादी की शाम क्या कहना चाहेंगे बताइए इन सबको? बहुत ज़्यादा खुशी है. हम दोनों देखो ट्रेनिंग कर रहे हैं येलो पहन के, तो पहले आउटफिट से शुरू करती हूँ कि हमने येलो क्यों पहना हुआ है, हम वैनिला और मैंगो क्यों पहने हुए हैं. तो कुछ एक्ट है हमारा जो कि सरप्राइज़ है, उसके लिए हमने एक जैसे कपड़े पहने. सीधे जी के बगीचे से आ रही हूँ मैं और एक्साइटेड है फिर हम दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वस भी. बात है कि इट्स एन अवार्ड फंक्शन, हम लोग नॉर्मली प्ले डाउन करते हैं कि
नहीं नहीं हम लोग बहुत कूल है, हम लोग को ज़्यादा फील नहीं हो रही, मगर बहुत मेहनत की है एंड होपफुली आर शो पर्सनल लेवल पे मैं इतना नहीं जीतना चाहता जितना आई वॉन्ट माई शो टू विट बिकॉज आर डायरेक्टर आर टीम आर राइटर्स दिस लवली एक्ट्रेस नेक्स्ट टू मी इंटायर कास्ट एंड क्रू बहुत मेहनत की इन सब ने एंड दुआ करता हूँ कि हम लोग जीते कुछ ना कुछ. सो बटरफ्लाइज हैं? नहीं नहीं मेरा हर साल ना रिश्ता नया होता है. तो एक्साइट से ज़्यादा आई बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ मिक्स फीलिंग के एक्साइटेड भी हूँ नर्वस भी हूँ. वी आर गोइंग टू डू स्पेशल एक्ट आप सब के लिए तो दैट टू लाइव लाइव हम लोग परफॉर्म करने वाले आपके लिए एंड हाँ इट्स अ ग्रेट फीलिंग आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट यू ऑल अप्रिशिएटिंग द वर्क इट्स रियली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. आपका सवाल अच्छा लग रहा है. जब बात होती है शादी की रिश्ते की जब बात चल रही है सो वन थिंग हाउ यू कैन डिफाइन शादी. ईशा आपसे शुरुआत करते हैं कैसे खुशियाँ शादी का मैं डिफाइन करूँ तो खुशियाँ हैं बहुत सारी खुशियाँ होती हैं नए रिश्ते जुड़ते हैं शादी के अंदर भी कुछ शादी की प्लानिंग हो जाती है. मैंने तो यही देखा है उसका लड़का अच्छा उसकी बेटी अच्छी है तो और रिश्ते जुड़ते जाते हैं. मेरे लिए शादी एक बहुत ही ज़िंदगी का शायद सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है बिकॉज आप एक नया रिश्ता जोड़ने वाले जो दुआ करते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ है स्टार्ट टू फिनिश. और सिर्फ वो नहीं जिस पार्टनर अभी जो भी आपका पार्टनर होगा वो आपके साथ आपके बुरे टाइम अच्छे टाइम हर एक टाइम में रहेगा आपके साथ. तो मेरे लिए शादी ऑनेस्टली बहुत ही नर्वस सिचुएशन है एंड एक्चुअली बिकॉज यही है कि आप सही डिसीजन ले रहे हो या नहीं and hopefully almost everyone takes the right decision but yeah it's a very nervous very exciting time ki aapke zindagi ka ek naya chapter khulne wala hai. Lots of nomination guys so what do you think kitne awards garden karne wale hain? Last time maine is bahut modest play kiya tha kuch nahi mila tha mujhe ye baar main thoda beech mein play karunga. Yeah I'll be honest yaar see I'll be very very honest with you जीतना तो जरूर है बहुत मेहनत की है मगर अपने आप को एक तसल्ली दे दे कि एक्सपेक्टेशंस कम रखो ज्यादा हर्ट नहीं होगा. जब ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस ही होंगे और नाम पुकारा जाएगा तो ज्यादा खुशी होगी लेकिन बटरफ्लाइज तो है दोनों के. एंड आई वांट हर टू विन एंड आई वांट शो टू विन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट क्योंकि दिस गर्ल्स जितनी जगह नॉमिनेटेड हम सब लेकर आ रहे हैं. दुआ कर रहा हूं दुआ कर रहा हूं इंशाल्लाह. Oh come on yeah it's got to be excited this is Z Rishte Awards I've been a part of Z since almost 14 years now from Z Cine Stars ke khoj 2004 se so zahir se baat hai ki Z Rishte Awards hamesha se special raha aur is baar hi mujhe pata laga ki shaadi ka kuch mahol hai shaadi ka andaaz hai to I'm sure bahut zyada maza aane wala hai. शादी सोच के आपके जहन में क्या कुछ आते हैं हाउ वुड यू डिफाइन शादी सोच के सिर्फ अपनी शादी आता है और उससे क्या कुछ बीवी अंदर है मेरे ख्याल से. आप क्या शेयर करना चाहेंगे क्योंकि इतने टाइम से आप लोग साथ में हैं तो कोई एक चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी शादी के दिन डांस परफॉर्मेंस तो मुझे याद है वो याद रहेगा क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था बिकॉज वी डिडंट हैव टाइम बट एक्चुअली नॉट ऑन द डे ऑफ वेडिंग बट इट वाज वन डे प्रायर टू दैट बट इट वाज रियली रियली फन. हैज एनीथिंग चेंज्ड पोस्ट मैरिज फॉर मैरिज? यस विशाखा अ लॉट ऑफ थिंग्स डू चेंज पोस्ट मैरिज. व्हाट हैज वन सच थिंग? I think the only thing is you got to make a lot of adjustments because I'm a super morning person and she sorry I'm super morning person and she's super night person so it becomes very difficult to collaborate that way. Okay. So just tell us about the look you all look very handsome. Thank you so much. Today only the credit goes to the stylist and the designers nobody else yeah. Just define yourself. Define myself. Yeah. Simple honest genuine. बस तीन शब्दों में सारी कहानी आ गई. यार वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई एम परफॉर्मिंग एंड क्योंकि डेफिनेटली बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है लाइव शादी हो रही है यहाँ पे तो एक्साइटेड है सब बहुत एक्साइटेड है बिकॉज सिर्फ अवार्ड फंक्शन नहीं है हमारे लिए यू नो थोड़ा पर्सनल फील हो रहा है बिकॉज शादी वादी हो रही है एंड इन माई परफॉर्मेंस आई एम बिकमिंग अ ब्राइड तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और जी टीवी के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है और इतने सालों से चलता आ रहा है और आई एम श्योर बहुत सालों तक बना रहेगा. रिश्तों के बाद आती है शादी के मायने जो आप एक्सप्लेन करना चाहें अपने शब्दों में. शादी के मायने यार गलत इंसान से पूछ लिया बिकॉज आई फील कि यार प्यार होना ज़रूरी है शादी भी ज़रूरी है बट आई थिंक परिवार के लिए और हमारी जो लोग हैं हमारी जो परंपराएं हैं उनके लिए
बट हाँ डेफिनेटली शादी है बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर हर लड़की हर लड़के के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो वेट करते हैं तो हाँ मतलब है ज़रूरी तो है यार मैं ना खाने की तरफ से हूँ जिधर खाना मिलेगा मैं उधर जाऊँगी लड़की हो चाहे लड़का बट आई थिंक मेरी परफॉर्मेंस में मैं ब्राइड बनी हूँ और क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ तो आई थिंक मैं दुल्हन की तरफ से शादी आई थिंक लास्ट जो बहुत धूमधाम से शादी मनाई थी वो सुयश किश्वर की शादी थी तो बहुत मज़े किए थे हम लोगों ने उसमें तो अभी हम वेट करेंगे और कौन शादी करेगा तो हाँ लास्ट सुयश किश्वर की शादी में बहुत मज़े किए थे अच्छा अभी कल प्रिंस विवेक की शादी जी हाँ आप लोगों की कब खुशखबरी है सुनने में यार तुम थके नहीं है बात पूछ पूछ के यार अभी कुछ प्लान नहीं है मतलब यही बोलती हूँ मैं हर बार जब भी पूछता सीधा मंथ में पहुँच गई अभी नहीं कि कौन से साल का है अभी कुछ नहीं सोचा जब ऐसा कुछ होगा तो पता चल जाएगा यार मैंने बोला ना मैं बहुत खुश हूँ मतलब एक बार फिर से ऋतिक के साथ आप टीवी पे दिखने वाली हैं होस्टिंग करते हुए ओह अच्छा सब आप पहुँचे नहीं सब पता चल जाता यार मतलब सब कुछ सब तो वेट करते हैं कि मैं और ऋतिक कब साथ में आए कब दोनों होस्ट करें लेकिन जब हम दोनों साथ में काम करते हैं तो बहुत झगड़े करते हैं तो एक दूसरे को बहुत डांटते हैं बिकॉज वही है ना कि इतना लाइक फॉर ग्रांटेड लेने लग गए एक दूसरे को तो डांटते रहते एक दूसरे को एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं मेरी चिड़चिड़ मैं उस पर उतार देती हूँ वो अपनी मुझ पर उतार देता है तो हाँ मज़ा तो बहुत आता है लेकिन आई थिंक बहुत सही हो रहा है जो हो रहा है एंड आई वुड ओनली लाइक टू से वन थिंग कि अब एटलीस्ट लोग थोड़े हेजिटेंट रहेंगे जो यू नो बहुत खुल्लम खुल्ला या बिना डरे कुछ करते थे अब एटलीस्ट थोड़े से हेजिटेंट रहेंगे तो ये चीज़ में बहुत फ़ायदा है आपने क्वेश्चन तो पूछा आपका ध्यान कहीं और था क्या बोला मैंने क्या बोला आई एम श्योर होंगे यार बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक नहीं रहा है तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकती बट आई एम श्योर होंगे बहुत होंगे थैंक यू